आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। प्रदेश के बहुचर्चित रिश्वत कांड में आया फैसला, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष को अर्थदंड एवं सजा। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मंडलेश्वर ने सुनाया फैसला। नगर ही नहीं प्रदेश के बहुचर्चित लोक सेवक द्वारा 25 लाख की रिश्वत के मामले में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ मंगलवार को फैसला आ गया, जिसमें विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सजा एवं आर्थिक दंड से दंडित किया है। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मंडलेश्वर श्री संजीव कुमार गुप्ता द्वारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर के विशेष प्रकरण क्रमांक 10/2016 एवं अपराध क्रमांक 537/2015 में आरोपी नरेंद्र शर्मा उर्फ लाली नगर पालिका परिषद सनावद में अध्यक्ष के पद पर पदस्थ रहते हुए आरोपी द्वारा आवेदक प्रवीण सोलंकी निवासी नर्मदा विहार कॉलोनी सनावद से नर्मदा विहार कॉलोनी सनावद में निर्माणाधीन कमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण पर लगी रोक हटाने के एवज में 10 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए आरोपी नरेंद्र शर्मा उर्फ लाली को रंगे हाथों पकड़ा गया था। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी नरेंद्र शर्मा को धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000 रुपए अर्थदंड से एवं धारा 13(1)(d)(13)(2) में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपए अर्थदंड एवं अर्थदंड अदा न करने पर 6-6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गई है। आजाद न्यूज के लिए सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।